गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की खास रिपोर्ट। शोक सभा आयोजित कर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को दिया गया श्रद्धांजलि। बिछुड़न नाथ धाम के करीब फरीदहा गांव के मुक्तिकुटी में स्वरूपानंद जी के अनुयायियों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा में भक्तों ने नम आंखों से स्वामी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके निधन को सनातन जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। डॉक्टर बालकृष्ण पाठक ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज सनातन संस्कृति के पुरोधा थे। ऐसे महापुरुषों का शिव तत्व में विलीन होना सनातन समाज के लिए दुख का विषय है। अरुण प्रकाश सिंह ने बताया कि स्वामी जी यहाँ से संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने आए तो जीवन भर यही के होकर रह गए। यहाँ प्रवास के दौरान स्वामी जी ने आजादी के महायज्ञ में कई युवाओं को शामिल किया। स्वामी स्वरूपानंद महाराज का सरल जीवन और उत्तम चरित्र युवाओं और आध्यात्मिक लोगों के लिए प्रेरणा से परिपूर्ण है। शोक सभा में श्रद्धालुओं ने मुक्तिकुटी धाम में स्वामी जी के मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर जय यादव, जोगेंद्र सिंह, अजित पाठक, संजय सिंह, रामजीत यादव रहे। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी बहुत अल्प अवस्था में महाराज जी लगभग 9 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे। किसी महात्मा के साथ कुछ दिन तक उस महात्मा के साथ रहे, फिर काशी आ गए। काशी में विद्या अध्ययन की इच्छा थी उनकी, वैराग्य तो पूर्ण था महाराज जी को। और काशी में स्थान उचित न समझे तो ये मुक्तिकुटी में यहाँ आ गए। और यहाँ धन्य है ये ऊर्जावान धरती, जो कि महाराज श्री यहाँ बैठ करके रह करके तपस्या भी किए और इचोल के वो भोला सिंह उस समय थे, उनके यहाँ के जमीन में और ये कुटी छोटी सी बनी थी पहले, अब तो बड़ा रूप दे दिया गया इसका। उस कुटी में जो है महाराज जी इसी में निवास किए, फिर विश्वनाथ जा कर के विद्या अध्ययन किए। पंडित रामनंदन पांडे जी जो है हमारे गांव फरीदहा के रहने वाले, व्याकरण का अध्ययन महाराज जी कराए। उसमें जो बंधन पंडित जी बुढ़ानपुर के थे, गाजीपुर के रहने वाले, वो प्रिंसिपल यहाँ पर थे, वो भी मतलब महाराज जी को। तो बहुत ही थोड़े समय में अल्पकाल विद्या सब पाई जैसा कहा गया है, तो थोड़े समय में ही विद्या पूरा ग्रहण कर लिया उन्होंने। व्याकरण पढ़ने के बाद पुनः महाराज जी उसी समय सन 42 का आंदोलन छिड़ा और यहाँ की धरती से ही उन्होंने बिगुल बजाया। और बिगुल बजा करके जो तमाम यहाँ के जितने भी नवयुवक समकालीन महाराज जी के थे, क्या यादव, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, सारी जाति जो है, चाहे लोहार हो क्या कुहार, कोई भी, सब लोग जम करके महाराज जी का साथ दिए। रेलवे लाइन उखाड़ी गई, हवाई अड्डा राजबाड़ी का तोड़ा गया, पोस्ट ऑफिस जो है महाराज जी अपने स्वयं मुख से बताते थे कि जा करके ओडियार का उसको धोखा गया, तोड़ा गया। उसके बाद महाराज जी ने यहाँ से जो है इतना लंबा अपना जो है कार्य करके माता भारती भारत माता को उन्होंने आज़ाद किया। बहुत लंबा इस विषय में नहीं बहुत ज़्यादा कहना है, क्योंकि लंबी भारत में कौन नहीं महाराज श्री को जानता है। आज तो आप लोग कल से परसों से ही देख रहे हैं, अपार भीड़ जनसमुदाय, वहाँ लाखों का